नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस समय की सबसे बड़ी खबर आप लोगों के लिए लेके आए। जी हां दोस्तों, आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव दोबारा कराने को लेकर बड़ी खबर आई है सामने। जी हां दोस्तों, सोनिया गांधी हुई एक्टिव, बीजेपी और मोदी को जमकर धोया। एक दुखद खबर भी है आपको बता दें, AN-32 विमान हादसे में कोई नहीं मिला जिंदा। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे मायावती और अखिलेश का सीएम योगी पर बड़ा हमला, केजरीवाल से मिली शीला दीक्षित की बड़ी मांग। जी हां दोस्तों, तमाम बड़ी खबर बताएंगे आप लोगों को, एक एक करके सभी खबरें आप लोगों के लिए जानना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि एक तरफ ईवीएम को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ एक बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों। आइए आपको सभी खबरें बताते हैं। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि हर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिले। और वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कीजिए। अगर आप लोग ईवीएम का विरोध करते हैं और बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। सबसे पहले दोस्तों आपको बताते हैं बैलेट पेपर से वोटिंग और हाल के लोकसभा चुनाव कैंसिल कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। जी हां दोस्तों, मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर के जरिए कराने की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में ताजा याचिका दाखिल कर दी गई है। वकील ML शर्मा की तरफ से दायर इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से फौरन सुनवाई करने और लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर के जरिए कराने के निर्देश जारी करने की मांग की गई है। शर्मा ने अपनी याचिका में दावा किया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट यानी कि RP के तहत चुनाव सिर्फ बैलेट पेपर के जरिए ही कराए जा सकते हैं। उन्होंने हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव को रद्द करने की मांग की है, क्योंकि इस चुनाव में बड़े पैमाने पर जो ईवीएम की धांधली सामने आई थी, क्योंकि जनता का भरोसा अब ईवीएम के ऊपर से उठ चुका है। एक तरफ लोग सड़कों पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, भले ही उन्हें विपक्षी पार्टियों की जो समर्थन है वो ना मिल रहा हो, लेकिन फिर भी कुछ संगठन सड़कों पर उतर रहे हैं, वो एक तारीफ की विषय आपको बता दे। लेकिन एक तरफ मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। गौरतलब है कि इससे पहले कई विरोधी राजनीतिक दलों की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से बार बार ईवीएम में गड़बड़ी की किसी भी आशंका को खारिज किया जाता रहा है। चुनाव आयोग ने कोई भी बात नहीं मानी, चाहे वो VVPAT पर्चियों का मिलान हो, लेकिन वो भी बात नहीं मानी और ना ही चुनाव आयोग यह मानने को तैयार है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है या ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ईवीएम ही अगर बदल दी जाए पूरी की पूरी तो फिर क्या चुनाव आयोग कहेगा, उस पर चुनाव आयोग कोई भी जवाब नहीं देता। लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और आपको बता दें एक वकील के द्वारा इसमें याचिका दाखिल की गई है और बैलेट पेपर से वोटिंग की मांग की गई है। और हाल ही में जो लोकसभा चुनाव कैंसिल कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ताजा याचिका दाखिल कर दी गई है और उसमें मांग की गई है कि जल्द से जल्द इस याचिका पर सुनवाई हो, क्योंकि सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है, ना ही कोई विपक्षी पार्टियों का ज्यादा समर्थन मिल रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, तमाम बड़ी पार्टी है विरोध प्रदर्शन तो करती हैं, लेकिन जब सड़क पे उतरने की बात आती है तो कोई भी पार्टी साथ नहीं देती है। और जनता भी बहुत सी जगहों पर अब सड़कों पर उतर रही है और जनता की भी यही मांग है। अगर आप लोगों की यही मांग है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए। आगे आपको खबरें बताएंगे दोस्तों। देख सकते हैं ईवीएम को लेकर जो धांधली सामने आई थी उसको लेकर अब सभी जो संगठन है वो भी एक्टिव होने लगे हैं। उनके सबकी मांग है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच चुका है, जहां जब किसी को कहीं से भी न्याय नहीं मिलता है तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है सुप्रीम कोर्ट। अब वहां पे याचिका दाखिल हो गई है तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट बैलेट पेपर से चुनाव कराती है या नहीं दोस्तों। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, सोनिया गांधी का बड़ा हमला, कहा सत्ता के लिए भुलाई जा रही है सभी मर्यादाएं। जी हां, नरेंद्र मोदी और बीजेपी को उन्होंने आड़े हाथों लिया है। आभार समारोह में सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि मैं रायबरेली के अपने सभी मतदाताओं बहन भाइयों का आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने मुझ पर और कांग्रेस पार्टी पर विश्वास किया है और मुझे जीत दिलाई है लोकसभा चुनाव में। उन्होंने आगे कहा, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबसे ऊंचा दर्जा मतदाता का होता है। इस बार के चुनाव में मतदाताओं को भड़काने के लिए हर तरह के प्रपंच रचे गए हैं, जो हुआ वह कितना नैतिक था और कितना नहीं यह सब समझते हैं। अगर लोकतंत्र में जनता का ही सबसे ऊंचा दर्जा होता है, मतदाता का ही होता है,
तो जो जनता चाहती है वही होना चाहिए। जनता की सिर्फ एक मांग है इस समय कि बैलेट पेपर से चुनाव हो और ईवीएम मशीन बंद की जाए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यहीं पे खड़ा होता है कि जो देश ईवीएम बनाता है वही जब ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करता है तो भारत में ईवीएम का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। और जो चुनाव आयोग ने जो 7 चरणों में चुनाव कराए हैं, सबसे बड़ा सवाल तो वहीं पे खड़ा हो जाता है कि जब पहले लोकसभा के चुनाव होते थे तो 2 या 3 आपको बता दें चरणों में चुनाव संपन्न हो जाते थे, तब जब बैलेट पेपर से चुनाव पड़ते थे। अब जब ईवीएम से चुनाव पड़ते हैं, जब इतनी टेक्निक है, फिर भी चुनाव 7 चरणों में क्यों? क्या धांधली करने के लिए इतने चरणों में चुनाव कराया गया? क्या इतना वक्त इसीलिए कि सिर्फ ईवीएम बदली जा सके, बड़े पैमाने पर जो रिजर्व ईवीएम थी उनमें गड़बड़ी की जा सके और उनको इतने दिनों के बाद स्ट्रांग रूम में पहुंचाया जा रहा था? कई वीडियो भी हमने आपको दिखाए थे, तो ईवीएम के ऊपर प्रश्न चिन्ह हमेशा ही लगते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दे, AN-32 विमान में सवार रहे सभी 13 लोगों की मौत हो चुकी है, क्रैश साइट पर पहुंची टीम ने की पुष्टि। जी हां दोस्तों, एक दुखद खबर है, विमान AN-32 ने 3 जून को असम के जोरहाट से अरुणाचल प्रदेश के जिले के मेचुका, आपको बता दे, ग्राउंड के लिए उड़ान भरी थी और करीब आधे घंटे बाद विमान का संपर्क नियंत्रण कक्ष से टूट गया था। लेकिन अब ये खबर निकल के आ रही कि हमारे 13 जवानों की मौत हो चुकी है जो प्लेन क्रैश हो गया था, आपको बता दे, विमान AN-32। वहीं वायुसेना ने इस बड़े नुकसान पर दुख प्रकट किया है और इन्हें एयर वॉरियर कहा है, साथ ही जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है। वायुसेना का विमान AN-32 इसी महीने 3 जून को लापता हो गया था। विमान ने असम के, आपको हमने बताया कि कहां से कहां के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उसका संपर्क नियंत्रण कक्ष से टूट गया जिसकी वजह से ये प्लेन क्रैश हो गया, आपको बता दें, और जो कि हमारे 13 जवानों की मौत हो गई इस दुर्घटना में। दुख की इस, आपको बता दें, घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। 13 लोगों के परिजनों को पहले ही बता दिया गया है कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं है, ये कहना है, आपको बता दें, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कहना है। और विमान का मलबा जिस स्थान पर मिला था वह अरुणाचल प्रदेश में AN-32 के उड़ान मार्ग से करीब 15 से 20 किलोमीटर उत्तर की ओर है। वायुसेना ने बयान में कहा था कि 12,000 फीट पर एक छोटे से गांव लिपो के पास विमान का मलबा मिला था, जो कि अब पुष्टि हो चुकी है कि हमारे 13 जवानों की मौत हो चुकी है और वो देख सकते हैं कि कोई भी जिंदा नहीं बचा है। वायुसेना ने नामों की भी पुष्टि कर दी गई है। अगली बड़ी खबर आपको बता दे, दरवेश यादव हत्याकांड, मायावती ने कहा जंगल राज अखिलेश बोले सीएम बैठक पर बैठक कर रहे हैं और अपराधी अपराधियां। दोस्तों, मायावती और अखिलेश ने सीएम योगी पर बड़ा हमला बोला है। बता दे कि दरवेश यादव को उनके साथी वकील ने उन्हें 3 गोलियां मारी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद हमलावर वकील ने खुद को भी गोली मार ली, उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। आगरा की अधिवक्ता दरवेश यूपी बार काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी और देख सकते हैं उनके साथी ने उनको गोली मार दी। वहीं मायावती ने ट्वीट कर कहा, यूपी बार काउंसिल की नव निर्वाचित अध्यक्ष दरवेश यादव की आगरा कोर्ट परिसर में जघन्य हत्या अति दुखद व अति निंदनीय है, साथ ही शामली में पुलिस द्वारा पत्रकारों की अकारण पिटाई जैसी घटनाएं साबित करती है कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के शासन में अराजकता व जंगल राज और भी ज्यादा बढ़ गया है। ये मायावती की तरफ से बड़ा हमला बोला गया है सीधे सीएम योगी पर और बीजेपी सरकार पर। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, प्रदेश में बलात्कार हत्याओं व राजनीतिक हमलों की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, मुख्यमंत्री मीटिंग पर मीटिंग ले रहे हैं लेकिन कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। देख सकते हैं अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े किए और मायावती ने भी। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं दोस्तों, आपको बता दें केजरीवाल से मिलने पहुंची शीला दीक्षित, कहा 6 माह तक दिल्ली वालों को मुफ्त बिजली दे सरकार। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम का समय बचा है, ऐसे में सभी विपक्षी पार्टियां दिल्ली सरकार को घेरने में लग गई हैं। इसी सिलसिले में आपको बता दें, शीला दीक्षित की अध्यक्षता में कांग्रेस के नेताओं का एक दल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिला। जानकारी के अनुसार कांग्रेस के ये नेता केजरीवाल के पास दिल्ली की पानी और बिजली की समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली सरकार ने बिजली पर जो फिक्स चार्ज लगा रखे हैं उससे इतना पैसा जमा हो चुका है कि दिल्ली वालों को 6 महीने तक बिजली मुफ्त दी जा सकती है। ऐसे में आपको बता दें, दिल्ली सरकार को सभी को 6 महीने तक मुफ्त बिजली देनी चाहिए, ये मांग है कांग्रेस पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल से। कांग्रेस पहले ही लगा चुकी है कई बड़े आरोप। जी हां, कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार पर बिजली कंपनियों के जरिए
दिल्ली वासियों को लूटने का आरोप लगाया था, लेकिन अब उनकी मांग है कि दिल्ली वासियों को 6 महीने के लिए बिजली मुफ्त दी जाए। केजरीवाल की तरफ से ये मांग की है शीला दीक्षित ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो दोस्तों ये तमाम बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेके आए। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव दोबारा कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच चुका है और बैलेट पेपर से चुनाव हो ये भी मांग की गई है और चुनाव नतीजे जो है वो रद्द किए जाए ये भी बड़ी मांग की गई है इस याचिका में। और सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि इस याचिका को जल्द से जल्द सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाए। जहां सोनिया गांधी हुई एक्टिव, उन्होंने बीजेपी और मोदी को जमकर धोया। तमाम ऐसी बड़ी खबरें हमने आप लोगों के लिए लेके आया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो, न्यूज अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।